दीजिए, लेकिन अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग को पढ़ाई को नहीं देना है, क्योंकि लोग आपसे रिजल्ट के दिन यह नहीं पूछेंगे कि आप लोग आपने दिवाली में बहुत अच्छा पटाखे फोड़े। आप लोग रिलेटिव फोन कर कर यह कहेंगे कि आखिरकार आपने पूरे साल क्या किया था कि आप लोग के अच्छे परसेंटेज नहीं बने। भाई बाई चांस आप लोग का परसेंटेज अच्छा नहीं बना तो जिसको फोन नहीं करना रहता है ना, वो भी फोन करेगा और कहेगा बना लिए दिवाली, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और इस मंथ को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करिए। यही मंथ आप लोग के लिए रैंक बनाएगा, यही मंथ आप लोग के लिए परसेंटेज बनाएगा, यही मंथ आप लोगों को स्टेट टॉपर बनाएगा या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाएगा। हेलो धुरंधर, क्या हालचाल, बढ़िया एकदम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल धुरंधर स्टडी। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दोस्तों मैं जानता हूं कि आप लोगों में से 100% में 90% स्टूडेंट्स इस समय आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। जी हां दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि यह कौन सा मंथ चल रहा है, और दोस्तों यह मंथ आप लोगों के लिए जितना इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोग क्लास टेंथ की जर्नी के लिए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मंथ आप लोगों के लिए कोई भी नहीं होने वाला है। अगर आप लोगों ने इस मंथ को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लिया तो एक बात समझ लेना, आप लोगों को क्लास टेंथ बोर्ड में अच्छा परसेंटेज या अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसी मंथ में बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, इस समय आप लोग के बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और इसी समय आप लोग क्या कर सकते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को पीछे फेंक सकते हैं और अपना बाउंस बैक यानी कि आगे बढ़ सकते हैं, अपनी रैंक ला सकते हैं, अपने स्टेट टॉपर बन सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि आखिरकार अगर आप लोगों ने यूटिलाइज कर लिया, कितना आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है यह नवंबर मंथ। इस वीडियो में आप लोगों को सब चीज़ मिलेगा कि इस आप लोग जानते हैं कि नवंबर मंथ में आप लोगों के सभी फेस्टिवल्स पड़े हुए हैं, आप लोगों के नवमी पड़ा हुआ है, दशहरा पड़ा हुआ है, दिवाली है, छठ पूजा है, तीज है, यानी कि सारे त्यौहार आप लोगों के इसी मंथ में है। तो आप लोग अपना बुद्धि लगाइए, देखिए आप लोगों के सारे त्यौहार इस मंथ में है, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस मंथ में अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं करेंगे। तो आप लोग इस पॉइंट को पकड़िए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आप लोग इस समय क्या करिए, आप लोग क्या करिए कि इस समय आप लोग अपनी पढ़ाई को और तेज़ी कर दीजिए। तो जो स्टूडेंट्स इस समय पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनसे आप लोग आगे निकल जाएंगे, क्योंकि यही समय है, यही समय आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। देखिए उन स्टूडेंट्स को कब मालूम चलेगा इस मंथ का महत्व, एग्जाम के एक हफ्ते पहले उनको मालूम चलेगा कि नवंबर मंथ हम लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने जो नवंबर मंथ में अपना दिन खराब किया नवरात्रि के लिए, दशहरा के लिए, दिवाली के लिए, छठ के लिए, वो कितना इंपॉर्टेंट था, वो उन लोगों के एग्जाम के एक हफ्ते पहले मालूम चलेगा, जब उन लोगों को कम समय मिलेगा, अपना कम समय मिलेगा और ज़्यादा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, जब रिवाइज करना पड़ेगा, तब उस समय उन लोगों को दिक्कत इम्पोर्टेंस क्या था। दोस्तों देखिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा करना है, देखिए मैं आप लोगों को यह नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग कोई भी त्यौहार मत मनाइए, आप लोग दशहरा नहीं मनाइए, दिवाली मत मनाइए, छठ पूजा, आप लोग सारे त्यौहार मनाइए, आप लोग अपने त्यौहार में इन्वॉल्व रहिए, लेकिन अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी अपने पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि आप लोग फर्स्ट प्रायोरिटी आप लोग को पढ़ाई को नहीं देना है, क्योंकि लोग आपसे रिजल्ट के दिन यह नहीं पूछेंगे कि आप लोग आपने दिवाली में बहुत अच्छा पटाखे फोड़े। आप लोग रिलेटिव फोन कर कर यह कहेंगे कि आखिरकार आपने पूरे साल क्या किया था कि आप लोग के अच्छे परसेंटेज नहीं बने। आप लोग के रिजल्ट के दिन वो लोग फ़ोन करते हैं, आप लोग को मालूम होगा, जो अगर आप लोग का अच्छा परसेंटेज आएगा तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर भाई बाई चांस आप लोग का परसेंटेज अच्छा नहीं बना तो जिसको फ़ोन नहीं करना रहता है ना, वो भी फ़ोन करेगा और कहेगा बना लिए दिवाली, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और इस मंथ को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज करिए। यही मंथ आप लोग के लिए रैंक बनाएगा, यही मंथ आप लोग के लिए परसेंटेज बनाएगा, यही मंथ आप लोगों को स्टेट टॉपर बनाएगा या डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा और अपने इस प्रिपरेशन में आप लोग अपने क्लास टेंथ की प्रिपरेशन में इस बात को ध्यान रखिए कि हम लोग को नवंबर मंथ को अच्छे से यूटिलाइज करना है। हम लोग को नवंबर मंथ में अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई को देना है, उसके बाद किसी फेस्टिवल पर देना है या दिवाली बनाना है या दशहरा बनाना है, इस बात को याद रखिएगा। और एक बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स ख़त्म हुआ है, तो वो सारे स्टूडेंट्स तो मस्ती करेंगे ही, एग्ज़ाम्स के बाद थोड़े नहीं कोई स्टूडेंट्स तुरंत पढ़ने लगता है, कुछ तो मस्ती करते हैं, नहीं ये आपकी भूल है।
आप क्या जानते हैं कि हाँ फेलियर के बाद सारे स्टूडेंट्स मस्ती ही करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि वो इस मंथ का इम्पोर्टेंस जानते हैं, और इन सारे दिन एक एक दिन का महत्व जानते हैं। वो जानते हैं कि हमें इन दिन का महत्व उस दिन पता चलेगा जिस दिन एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमको पूरा सिलेबस अच्छा से कम्प्लीट नहीं होगा, तब आप लोग रिग्रेट करेंगे। तो इसलिए आप लोग इस मंथ को अपने पूरे त्यौहार बनाने में नहीं बिताना है। आप लोग त्यौहार बनाने हैं लेकिन अपनी पढ़ाई के साथ, पहले पढ़ाई उसके बाद त्यौहार। समझ में आ रहा है ना? चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही स्पेशल लाने वाले हैं। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि क्लास टेंथ के लिए अगर मैं जितना आप लोगों को कंटेंट देने वाला हूँ आने वाले समय में, अभी तो हमारे चैनल नया नया है इसलिए उतना कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं जितना आप लोगों को कंटेंट देने वाला हूँ वैसा आप लोगों को कोई भी नहीं दे सकता। तो चलिए किसी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहिए, अपना समय बर्बाद मत करिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई को दीजिए। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट।